तो दोस्तों ये है आपके सामने HDD और इसके अंदर है SSD। तो दोस्तों जब भी आप लैपटॉप या कंप्यूटर आप परचेज करते हो तो दोस्तों कंप्यूटर या लैपटॉप के अंदर SSD अच्छी होनी चाहिए या HDD अच्छी होनी चाहिए, इन्हीं के बारे में आपको डिटेल में आपको बताने वाला हूँ दोस्तों। तो दोस्तों मैं हूँ अनिल पवार और आप देख रहे हैं पवार टेक स्टडी। तो आइए देखते हैं। तो दोस्तों ये है आपके सामने HDD और इसके अंदर है SSD। तो दोस्तों इसको पहले हम SSD को अनबॉक्स करते हैं। तो दोस्तों इसको हम कट कर देते हैं। तो ये मैंने अमेजोन से फ्लिपकार्ट से परचेज किया है दोस्तों। इसको मैं इस तरीके से कट करता हूँ। तो दोस्तों ये है, मैंने अनबॉक्स कर लिया है बॉक्स को। तो इसके अंदर है ये WD का साटा SSD, ठीक है दोस्तों, सॉलिड स्टेट ड्राइव। तो इसको भी मैं अनबॉक्स कर लेते हैं, फिर आपको इसके बारे में मैं डिटेल के अंदर बता देता हूँ दोस्तों। ठीक है, इसको हटा देते हैं और इसको बॉक्स को मैं अनबॉक्स कर देता हूँ। तो इसको मैं यहाँ से कट कर देता हूँ दोस्तों। तो इसके अंदर है ये WD की SSD जो कि सॉलिड स्टेट ड्राइव कहते हैं। इसको भी अनबॉक्स कर देते हैं दोस्तों। ये इसका मैनुअल है। तो इसके अंदर किस तरीके से आप कनेक्ट कर सकते हो सारी जानकारी इसके अंदर दे रखी है। तो इसको भी दूर रख देते हैं। तो मैं आपको बता ही दे दूँगा बता दूंगा कि इसके अंदर क्या क्या है। ठीक है दोस्तों, ये है इसकी जो बॉडी है प्लास्टिक की है दोस्तों, जो कि साइज सेम है दोनों। ठीक है दोस्तों, तो ये है 250 GB की है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों अब इसके बारे में हम डिटेल के बारे में बात करते हैं। इसके अंदर दोनों में कौन सी अच्छी होती है, या SSD अच्छी होती है या SSD अच्छी होती है, इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो दोस्तों पहले हम बात करते हैं HDD के बारे में दोस्तों। तो दोस्तों इसकी जो फुल फॉर्म होती है हार्ड डिस्क ड्राइव, ठीक है दोस्तों, इसी के बारे में। तो दोस्तों पहले HDD को सबसे पहले सन 1956 में IBM के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था दोस्तों। तो बनाया गया था IBM के द्वारा बनाया गया था दोस्तों। और दोस्तों इस HDD के अंदर एक मैग्नेटिज्म का इस्तेमाल होता है जो कि डेटा को स्टोर करने के लिए यूज होती है दोस्तों, जो कि रीड राइट एक स्प्लिटर के ऊपर रीड राइट होता है दोस्तों, जो कि डेटा को रीड करने के लिए और डेटा को राइट करने के लिए दोस्तों। और दोस्तों HDD के अंदर एक रोटेटिंग प्लेट होती है जो कि रीड करती है और राइट करती है। जितनी जल्दी रोटेट करेगी तो डेटा को रीड कर लेगी और जितनी जल्दी राइट कर लेगी। ठीक दोस्तों, तो दोस्तों आज के जो लैपटॉप होते हैं उसमें टिपिकली लैपटॉप में क्या होता है कि ड्राइव 5400 RPM रेवोल्यूशन पर मिनट, ठीक है दोस्तों, यानी कि आप 7200 RPM के हिसाब से घुमा सकते हो दोस्तों, घूम सकती है। ठीक है दोस्तों, जो कि SSD के अंदर। और दोस्तों कई तो 15000 RPM के अनुसार घूम सकती है दोस्तों। और दोस्तों HDD का फायदा यह है कि आप बहुत कम पैसे में डेटा को, ज़्यादा डेटा को स्टोर कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, इसका ये फायदा है। और दोस्तों जो कि HDD के अंदर है कि 500 GB, 1 TB, 2 TB, मैक्सिमम 6 TB तक आ सकती है। तो दोस्तों कम पैसों में ज़्यादा डेटा को स्टोर कर सकते हो इसके अंदर। और दोस्तों HDD SSD की तुलना में काफ़ी सस्ता होता है, इसीलिए ज़्यादातर लैपटॉप के अंदर क्या होता है कि HDD हार्ड डिस्क ड्राइव आती है दोस्तों। और दोस्तों HDD SSD की तुलना में दोनों सेम ही दिखते हैं दोस्तों। तो दोस्तों ये बाहर से दोनों इस साइज में एकदम बराबर रहते हैं। और दोस्तों जो कि SSD है वो काफ़ी हल्की है और HDD है काफ़ी वेट है, इसके अंदर वेट है दोस्तों। तो दोस्तों इसके अंदर एक साटा लगी होती है, जो कि साटा केबल के द्वारा आपको लैपटॉप या कंप्यूटर के अंदर आप कनेक्ट कर सकते हो। और दोस्तों जबकि हम बात करें कि लैपटॉप और कंप्यूटर में HDD जो कि कितने साइज की होती है, जो कि 2.5 लैपटॉप के अंदर कॉमन फैक्टर होती है, ठीक है दोस्तों। और जबकि
कंप्यूटर के बारे में बात करते हैं तो 3.5 फॉर्म फैक्टर की होती है दोस्तों, ठीक है दोस्तों, कंप्यूटर के अंदर HDD। तो दोस्तों ये रही HDD की पूरी जानकारी। अब बात करेंगे SSD, जो कि हम इसको बोलते हैं, फुल फॉर्म है इसकी सॉलिड स्टेट ड्राइव दोस्तों। और दोस्तों इनको दोनों को आप मेमोरी की तरह आप यूज़ कर सकते हो। और दोस्तों जबकि SSD है ज़्यादा सफिस्टिकेटेड होती है दोस्तों, जो कि अगर आप क्या है कि इसमें डेटा को स्टोर करते हो तो इसमें डेटा क्या होता है, लॉस नहीं होता है। और HDD के अंदर क्या होता है कि डेटा को लॉस हो जाता है। कई बार आप डेटा को स्टोर करते हो तो डेटा कई कई बार रन नहीं होता है, चलता नहीं है, तो इसका ये है फ़ायदा है, ठीक है दोस्तों। HDD के अंदर क्या है कि जो डेटा आप डालते हो, कोई भी डेटा डालते हो, तो इसमें क्या रहता है कि जो भी डेटा है आपका वो सेफ रहता है और आप और ख़राब भी नहीं होता दोस्तों, ठीक है दोस्तों। HDD और SSD ज़्यादा ख़राब होने की कैपेसिटी रहती है दोस्तों, कैपेबिलिटी रहती है, और HDD की ज़्यादा ख़राब होने की कैपेबिलिटी नहीं होती है दोस्तों। और दोनों के अंदर आप साटा केबल यूज होता है, ठीक है दोस्तों। और दोस्तों SSD के अंदर क्या है कि डेटा के अंदर इसमें एक माइक्रोचिप होती है जो कि डेटा को स्टोर करने के लिए यूज होती है। और दोस्तों इसमें आपको बताया था एक मैग्नेटिक चिप होती है जो कि रीड एंड राइट होती है, ठीक है दोस्तों। और डेटा को जितने ज़्यादा रोटेट करेगी उसी के अनुसार वो डेटा स्टोर करती है, ठीक है दोस्तों। और HDD के अंदर क्या होता है कि जब भी आप लैपटॉप ऑन करते हो तो वो एक CD की तरह रोटेट करती है, वो ज़्यादा क्या करती है, वॉइस करती है। SSD है इतने ज़्यादा वॉइस नहीं करती है, ठीक है दोस्तों, जो कि इसके अंदर एक माइक्रोचिप होती है, इसी की वजह से लैपटॉप या कंप्यूटर वो इतना ज़्यादा शोर नहीं करता दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों इसीलिए एक SSD के अंदर जो कि मैग्नेटिक चिप है, माइक्रोचिप होती है, इसी की वजह से एक SSD को स्पीड देती है दोस्तों। जब भी आप लैपटॉप या कंप्यूटर के अंदर लगाते हो SSD को, तो क्या करता है कि चूँकि डेटा को एकदम फास्टली मूव करता है, ठीक है दोस्तों। जब भी आप कोई सॉफ्टवेयर ऑन करते हो या लैपटॉप को रिस्टार्ट करते हो, तो क्या है कि वो डेटा है, लैपटॉप या कंप्यूटर है, वो बहुत ज़्यादा फास्टली रन करेगा दोस्तों और स्टार्ट होगा, ठीक है दोस्तों। जबकि यहाँ पर बात करिए HDD की, HDD की तुलना में SSD काफ़ी अच्छा होता है दोस्तों, ठीक है दोस्तों। और ये यहाँ पर आप HDD का यूज़ करते हो तो HDD में कई कई बार क्या होता है कि बहुत ज़्यादा टाइम लेता है इसके अंदर, लेकिन HDD होता है तो वो HDD के अंदर क्या होता है, जिस लैपटॉप में HDD होता है तो वो लैपटॉप काफ़ी जल्दी रन करता है, ठीक है दोस्तों। जबकि बात करते हैं उदाहरण के रूप में बात करते हैं दोस्तों SSD के बारे में दोस्तों, तो जैसे कि एक लाइब्रेरी है, लाइब्रेरी के अंदर क्या है कि बहुत सारी किताबें होती है। तो दोस्तों जब भी आप कोई किताब ढूंढने के लिए जाते हो तो आपको काफ़ी टाइम लग जाता है, तो SSD के अंदर क्या होता है कि जब भी आप मोबाइल लिए कंप्यूटर या लैपटॉप के अंदर क्या है कि किसी भी फाइल को आप सर्च करते हो या ढूंढते हो, तो क्या करते हैं कि वो SSD की मदद से वो उस फाइल को इतनी तेज़ी से आपके सामने शो कर देगी, ठीक है दोस्तों, जब भी आप सर्च करोगे, ठीक है, ये फ़ायदा होता है, ठीक है दोस्तों। SSD के अंदर क्या होता है कि एक नॉट बेस्ड फ्लैश मेमोरी होती है दोस्तों, और ये एक नॉन वोलेटाइल मेमोरी होती है दोस्तों। और नॉन वोलेटाइल मेमोरी का मतलब ये होता है दोस्तों कि जब भी आप कंप्यूटर या लैपटॉप को आप ऑफ करते हो और फिर से आप इसको लैपटॉप या कंप्यूटर को स्टार्ट करते हो, तो क्या है कि जबकि लैपटॉप और कंप्यूटर के अंदर क्या होता है कि जो डेटा रहता है उसको क्या करता है कि ये भूलता नहीं है, ठीक है, डेटा लॉस नहीं होता है, ठीक है दोस्तों। जबकि इसके बारे में रेट के बारे में बात करें दोस्तों, तो दोस्तों जबकि SSD HDD की तुलना में SSD काफ़ी कॉस्टली होता है, ठीक है दोस्तों, क्योंकि ये क्या करता है कि जो लैपटॉप कंप्यूटर होता है उसको फास्टली रन करवाता है, ठीक है दोस्तों, फास्टली काम करवाता है, ठीक है दोस्तों, ये है SSD की काम करने की क्षमता। और दोस्तों SSD की मदद से
आप वीडियो एडिटिंग बहुत फास्टली एडिटिंग कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, ये इसमें फ़ायदा रहता है। और जब भी आप कोई काम करते हो और कुछ भी काम करते हो, इसमें फास्टली काम कर सकते हो दोस्तों। और दोस्तों, जबकि SSD के साइज़ के बारे में बात करें तो दोस्तों, इसकी साइज़ होती है 1.8, 2.5, 3.5। और दोस्तों, इसको कनेक्ट करने के बारे में बात करें दोस्तों, तो दोस्तों साटा को कनेक्टर की तरह आप यूज़ कर सकते हो। और इसमें क्या होता है कि दोस्तों, इसमें आप मिनी साटा का भी केबल का भी यूज़ कर सकते हो, जो कि लैपटॉप या कंप्यूटर के अंदर कनेक्ट करने के लिए। लैपटॉप के अंदर क्या होता है कि लैपटॉप के अंदर होती है वो डायरेक्ट, तो उसको तो अंदर वो आप कनेक्ट कर सकते हो। लेकिन कंप्यूटर के अंदर क्या होता है कि आप साटा केबल का यूज़ करके आप कंप्यूटर में यूज़ कर सकते हो दोस्तों SSD को। या ठीक दोस्तों, तो दोस्तों अब बात करते हैं HDD और SSD में अंतर क्या होता है। तो पहले बात करते हैं SSD, जो कि सॉलिड स्टेट ड्राइव के बारे में बात करते हैं। तो दोस्तों, ये कम पावर का इस्तेमाल करती है। अगर एवरेज की बात करें तो दोस्तों, लगभग 2 से 3 वाट, जिसके चलते यानी कि 30 मिनट की बैटरी बूस्ट मिलती है दोस्तों। और अब बात करते हैं SSD के बारे में बात करते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, ये SSD की तुलना में बहुत ही ज़्यादा पावर का इस्तेमाल करती है। अगर एवरेज की बात करें तो दोस्तों, लगभग 6 से 7, तो 2 गुना हो गया ना। ठीक है दोस्तों, 6 से 7 वाट का ये पावर ले लेती है दोस्तों, इसलिए ये ज़्यादा बैटरी का इस्तेमाल करती है दोस्तों। SSD बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है दोस्तों, और HDD की तुलना में ये SSD की तुलना में बात करते हैं, SSD की तुलना में काफ़ी सस्ता होता है HDD। ठीक है दोस्तों, SSD ये ज़्यादा इसकी कीमत होती है दोस्तों, इसी वजह से ये ज़्यादा कैपेसिटी या स्टोरेज वाली नहीं बनाई जाती। ठीक है दोस्तों, इसकी एवरेज बूस्ट अप 10 या 30 सेकेंड की होती है दोस्तों। जबकि HDD की बात करें तो दोस्तों, ये बहुत ही ज़्यादा कैपेसिटी वाली बनाई जाती है और इस्तेमाल में भी आती है। इसका एवरेज बूटअप टाइम होता है दोस्तों 30 से 40 सेकंड की होती है दोस्तों। SSD में दोस्तों, इसमें कोई मूविंग पार्ट न होने के कारण इसमें साउंड ज़्यादा पैदा नहीं करता है, तो इसमें बताया था आपको मैं दोस्तों। और HDD के अंदर क्या होता है कि दोस्तों, SSD में मूविंग पार्ट होता है और इसके साथ क्लिक और स्पिनिंग की भी बहुत ही ज़्यादा साउंड करता है दोस्तों। SSD में कोई मूविंग पार्ट ना होने के कारण दोस्तों, इसमें ज़्यादा वाइब्रेशन ज़्यादा पैदा नहीं होता है। तो जबकि बात करें दोस्तों HDD की, इसमें प्लेटर की स्पिनिंग होती है, जिसके चलते ये वाइब्रेशन पैदा होती है, आम सी बात होती है दोस्तों ये। जबकि बात करते हैं SSD, तो दोस्तों ये ज़्यादा पावर डिमांड नहीं करती है दोस्तों, इसमें कोई मूविंग पार्ट भी नहीं होता है, इसके चलते ये बहुत ही कम हीट पैदा करती है दोस्तों SSD की तुलना में HDD ये बहुत ही ज़्यादा हीट होती है दोस्तों। इसमें मूविंग पार्ट भी होता है जो कि लगातार घूमता रहता है, इसकी वजह से ये ज़्यादा हीट होती है दोस्तों। SSD की बात करें दोस्तों, इसमें मीन टाइम बिटवीन फेलियर रेट होती है 2.0 मिलियन आवर्स होती है। और अगर बात करें तो HDD के बारे में बात करते हो तो इसमें मीन टाइम बिटवीन फेलियर रेट होती है 1.5 मिलियन आवर्स। और SSD में दोस्तों क्या होता है कि इसमें कॉपी करने की स्पीड होती है जनरली 200 Mbps से 500 Mbps तक की होती है। और HDD के अंदर क्या होता है कि दोस्तों, HDD में कॉपी करने की स्पीड होती है जनरली 50 Mbps से 120 Mbps तक की होती है। और दोस्तों, SSD काफ़ी फास्टर होता है। और HDD क्या होता है कि दोस्तों, ये HDD SSD की तुलना में काफ़ी स्लो होता है। और SSD किसी भी प्रकार की मैग्नेटिज्म इफेक्ट से सेफ होता है। और वहीं HDD के अंदर क्या होता है कि दोस्तों, HDD मैग्नेटिज्म का काफ़ी असर पड़ता है, इससे डेटा पूरी तरह से इरेज भी हो सकता है।
तो दोस्तों ये तो हो गई SSD और SDD के अंदर डिफरेंस। अब बात करते हैं कि दोस्तों SDD खरीदनी चाहिए या SSD खरीदनी चाहिए। तो दोस्तों अब बात करते हैं, पहले बात करते हैं SSD के अंदर। तो दोस्तों आपके लिए जब SSD तब ठीक रहेगी, तो दोस्तों आपको बहुत सारा स्टोरेज कैपेसिटी चाहिए, जैसे कि 6 TB, 100 TB, ठीक है दोस्तों, या उससे भी ज़्यादा। और आप ज़्यादा पैसा खर्च नहीं करना चाहते, ठीक है दोस्तों। अगर आपको कंप्यूटर की बूटअप स्पीड और कॉपी करने की क्षमता ज़्यादा नहीं चाहिए और लेकर ज़्यादा नहीं चाहिए, ठीक है दोस्तों। और SSD आपके लिए तब ठीक रहती है दोस्तों, जबकि अगर आपको कंप्यूटर फास्टर चाहिए, फास्ट परफॉर्म करना चाहिए, ठीक है, और आपको स्टोरेज के पर कैपेसिटी इतनी ज़्यादा नहीं चाहिए, ठीक है, तब आपके लिए SSD काफ़ी अच्छा और बेनिफिट शायद साबित होगा। अब दोस्तों मेरी माने तो दोस्तों जब भी आप कोई भी लैपटॉप या कंप्यूटर का परचेज कर रहे हो, तो उसके अंदर क्या होना चाहिए कि फास्टर होना चाहिए एक तो, ठीक है। तो SSD काफ़ी अच्छी है, तो आप परचेज कर सकते हो SSD, जिसको बोलते हैं सॉलिड स्टेट ड्राइव, ठीक दोस्तों, SSD की तुलना में। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम।